हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हाजिर हैं एक नई बस जर्नी ब्लॉग के साथ। इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे चंबा से शिमला तक HRTC की सुपरफास्ट बस से। दोस्तों, चंबा हिमाचल प्रदेश का राजधानी शिमला से सबसे ज़्यादा दूरी पर स्थित ज़िला मुख्यालय है। चंबा से शिमला जाने में काफ़ी लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। HRTC की प्रतिदिन 6 बसें चंबा से शिमला के बीच चलती हैं। हम जाएंगे सुपरफास्ट बस से, जो कि इस जर्नी में सबसे छोटा रूट व सबसे कम समय लेती है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं ये वीडियो और निकलते हैं चंबा से शिमला के सफ़र पर। दोस्तों, हम पहुंच गए हैं चंबा में और सामने ये है चंबा का ऐतिहासिक चौगान ग्राउंड। सुबह का वक्त है तो यहाँ एकदम शांति सी है। चौगान चंबा शहर का सबसे फेमस पॉइंट है और इसे चंबा शहर का दिल भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला का आयोजन भी इसी ग्राउंड में होता है। इसके अलावा चंबा में लक्ष्मी नारायण मंदिर, भूरी सिंह म्यूज़ियम और चंबा की मार्केट भी काफ़ी प्रसिद्ध है। ये सहस्त्राब्दी शहर रावी नदी के किनारे बसा है। और अभी हम आ गए हैं चंबा के बस स्टैंड में। शिमला के लिए सुपरफास्ट बस जो है, उसका यहाँ से चलने का समय सुबह 7 बजे का है। अभी 6:30 हो रहे हैं और ये देहरादून चंबा बस यहाँ पर पहुँच गई है। और इस तरफ ये वर्कशॉप से आ गई शिमला जाने वाली सुपरफास्ट बस। ये बस अभी पुराना बस स्टैंड जाकर आएगी। पैसेंजर स्पेशली सीनियर सिटीजन्स की मांग पर इस बस को पुराना बस स्टैंड भेजा जाता है, जो कि चंबा शहर के बीचों बीच स्थित है। तो अभी 10-15 मिनट में बस वहां जाकर फिर वापस यहीं पर आएगी। और ये इस तरफ खड़ी है नई शुरू हुई CTU की चंबा चंडीगढ़ बस। छः बजकर 50 मिनट पर फिर हमारी बस ओल्ड बस स्टैंड से वापस इस नए बस स्टैंड में आ गई और यहाँ पर काउंटर पर लग गई। कुछ सवारियां ओल्ड बस स्टैंड से इसमें बैठकर आई हैं और बाकी यहां पर भी काफ़ी लोग इस बस का इंतज़ार कर रहे थे। इस बस के रूट की बात करें तो ये बस सुबह 7 बजे चंबा से शुरू होकर जोत, चुवाड़ी, सिंहुता, शाहपुर, कांगड़ा, ज्वालाजी, हमीरपुर व बिलासपुर से होते हुए शाम करीब 8 बजे शिमला पहुंचेगी। ये सफ़र करीब 370 किलोमीटर का होगा और इसमें हमें 11 घंटों का समय लग जाएगा। फिर 7:05 पर हमारी बस निकल गई शिमला के सफ़र पर। और आज हमारी बस के पायलट हैं सुनील कुमार जी। ये चंबा का शीतला पुल है, जो कि रावी नदी पर बना है। इसे पार करके हम नदी के इस तरफ आ गए। हमारी बस तो चंबा से ही फुल हो गई है और कंडक्टर नीरज भाई टिकट्स काटने में बिजी हैं। ये बस अब यहाँ से जोत के लिए ऊपर वाला रास्ता लेगी। चंबा से खजियार होते हुए डलहौजी के लिए भी यही रास्ता जाता है। लंबी दूरी की अधिकतर बसें तो चंबा से बनीखेत होते हुए ही जाती हैं, क्योंकि वो रास्ता थोड़ा खुला है और चढ़ाई भी कम है। ये जोत वाला रास्ता है तो शॉर्ट, पर इसमें एकदम तीखी चढ़ाई चढ़ने पड़ती है।
और सर्दियों के मौसम में बर्फ़ गिर जाने की वजह से ये रास्ता कुछ महीने बंद भी रहता है। ये हमारे पीछे एक और HRTC बस आ रही है जो कि शायद खजियार की ओर जाएगी। यहाँ से फिर चंबा शहर का सुंदर व्यू दिखाई दे रहा है। ऐश्वर्या राय की सुपरहिट फिल्म ताल की शूटिंग भी यहाँ चंबा में ही हुई थी और उसका टाइटल सॉन्ग के कुछ दृश्य भी इसी गांव में फिल्माए गए हैं जहाँ से पीछे चंबा शहर दिखाई देता है। वैसे इस रोड के कुछ स्ट्रेचेस तो चौड़े कर दिए गए हैं पर ज़्यादातर रास्ता अभी सिंगल लेन ही है। यहाँ से राइट में रास्ता फिर खजियार और डलहौजी के लिए डाइवर्ट होता है जबकि हमें जोत के लिए सीधे जाना है। अब हम काफ़ी ऊंचाई पर भी आ गए हैं और जैसा कि आप जानते ही हैं कि बढ़िया व्यूज़ तो ऊंचाई से ही दिखाई देते हैं। और अब हम जोत की ऊंचाई पर पहुंचने ही वाले हैं। इस तरफ दिखाई दे रहा है बहुत ही खूबसूरत व्यू। ये पीर पंजाल माउंटेन रेंज है जो कि हिमाचल प्रदेश व जम्मू कश्मीर से होती हुई POK व पाकिस्तान तक फैली हुई है। ये आ गया जोत टॉप। ये एक माउंटेन पास है जो कि चंबा को भटियात के साथ जोड़ता है। चंबा से यहाँ तक हम लगातार चढ़ाई चढ़कर पहुँचे हैं और अब आगे चुवाड़ी तक हम उतराई उतरेंगे। यहाँ बीच बीच में कुछ खुदाई की गई है, शायद रोड को चौड़ा करने का काम चल रहा है। फिर जोत से थोड़ा ही आगे इस टंडन ढाबा पर हमारी बस रुक गई ब्रेकफास्ट के लिए। चंबा से यहाँ तक हमें करीब 1.5 घंटा लग गया।
फिर यहाँ पर मैंने बस के स्टाफ के साथ ही बैठकर खाना खाया। बस यहाँ पहुँची है और गर्मा गर्म खाना तैयार है। अच्छा, मैं कल पठानकोट था ना। अच्छा, एक दिन लोकल करना पड़ता है ना यहाँ पर। ठीक है। जोत चंबा जिला में स्थित एक माउंटेन पास है। ये पास चंबा को भटियात व आगे कांगड़ा से जोड़ता है। यहाँ से चंबा, कांगड़ा व पठानकोट साइड के सुंदर व्यूज दिखाई देते हैं। बॉलीवुड फिल्म गदर के कुछ दृश्य भी यहाँ जोत पर ही फिल्माए गए हैं। यहाँ पर कुछ होटल्स अवेलेबल हैं जहाँ आप इन सुंदर वादियों में सुकून के पल बिता सकते हैं। खजियार से यहाँ तक आप एक घंटे की ड्राइव करके पहुँच सकते हैं। जोत के आसपास जितने भी ढाबे हैं, आपको एकदम फ्रेश और स्वादिष्ट पारंपरिक भोजन यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर बढ़िया सा खाना खाने के बाद हम आगे के सफ़र पर निकल पड़े। और आगे ये सिंहता जोत चंबा बस आ गई। ये चंबा जोत चुवाड़ी सड़क काफी संकरी है और बैरिकेडिंग भी नहीं है, तो यहाँ पर ड्राइव काफी ध्यान से करना पड़ता है, स्पेशली रात को। पास देने के लिए तो यहाँ सड़क के बाहर उतरना ही पड़ता है। वैसे तो जोत से चलते ही हमें नीचे चुवाड़ी दिखाई देने लग गया था, मगर अभी तक हम यहाँ पहुँचे नहीं हैं। अभी ये और करीब आ गया है, पर यहाँ तक पहुँचने में हमें और 10-15 मिनट लग जाएंगे। तो 9:20 पर हम पहुंच गए चुवाड़ी। चुवाड़ी चंबा ज़िला की तहसील और भटियात रीजन का हेडक्वार्टर है। यहां पर बड़ी मार्केट भी है। ये आ गया चुवाड़ी का बस स्टैंड। हमारी बस का यहां से चलने का समय 9:15 का है और टाइम तो हो ही गया है, तो बस यहां पर ज़्यादा देर नहीं रुकी। और चुवाड़ी से हमारी बस फिर से स्टैंडिंग हो गई। जल्दी ही फिर हम चुवाड़ी से लहड़ू की तरफ निकल गए। चलवाने
लाहड़ू में ये हमें चमुंडा होली बस भी मिल गई। ये बस भी वाया जोत होते हुए ही चंबा जाएगी। इन भटियात व नूरपुर की पहाड़ियों पर कहीं कहीं मिट्टी लाल तो कहीं कहीं काली है। ये मिट्टी काफ़ी चिकनी होती है और बरसात में जब पानी के साथ बहकर रोड पर आ जाती है तो गाड़ियां स्किड भी बहुत होती हैं। आगे से ये द्रम्मन चुवाड़ी पठानकोट बस आ गई। ये रोड अब सिंहुता तक ऐसे ही थोड़ा तंग जैसा है, इसीलिए पास लेने में थोड़ा आगे पीछे होना ही पड़ता है। और ये न्यू प्रेम की टांडा भंजराड़ू बस। और इसके थोड़ा बाद ये पालमपुर चंबा बस भी आ गई। सिंहुता चंबा ज़िला की तहसील है और इस तरफ का एक बड़ा कस्बा भी। धौलाधार के आंचल में बसे ये गांव काफ़ी खूबसूरत हैं। हालांकि जोत में मौसम थोड़ा ठंडा था, लेकिन यहां पर गर्मी हो रही है। सिंहुता से द्रम्मन तक रोड अब डबल लेन बन चुका है और हम जल्दी ही द्रम्मन पहुंच जाएंगे। द्रम्मन से फिर NH 154 पर मिल जाएंगे। फिर 11:15 बजे हम पहुंच गए द्रम्मन। यहां पर चंबा ज़िला की सीमा ख़त्म हो जाती है और कांगड़ा ज़िला शुरू। साथ ही हम यहां पर अब पठानकोट मंडी नोनी NH 154 पर पहुंच गए। और थोड़ा ही आगे चलकर यहां पर हमारी बस का लंच ब्रेक होगा। ये अमृतसर हारसी पत्तन बस भी यहां पर खाने के लिए रुकी है। यह है शर्मा पंजाबी ढाबा द्रम्मन और HRTC की कई बसेज यहीं पर रुकती हैं। हमारी बस सुबह 7 बजे चंबा से चली, 8 बजे के करीब जोत में ब्रेकफास्ट हुआ और अब 11 बजे यहाँ द्रम्मन में लंच। आई थिंक लंच के लिए बस बहुत जल्दी रुक गई। और बड़ी बात ये कि अब बस का कांगड़ा व हमीरपुर में थोड़ी थोड़ी देर का ही स्टॉप होगा और उसके बाद बस चाय के लिए शाम को चमाकड़ी पुल ही रुकेगी। तो मेरे हिसाब से इस बस का लंच हॉल्ट आगे ज्वाला जी नदौन के पास होना चाहिए था। और इधर किसी ने उल्टी कर दी है तो स्टाफ को उसे भी साफ करना पड़ता है। इसके बाद फिर हम आगे चल पड़े और ये आ गया शाहपुर। इसके बाद हम पहुंच गए गग्गल।
गग्गल से लेफ्ट को रास्ता जाता है धर्मशाला के लिए, जो कि यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है। हमें जाना है सीधा कांगड़ा की तरफ। फिर मटौर में जाम लग गया, जहां से निकलते निकलते हमें 20-25 मिनट तो लग ही गए। इस बस का कांगड़ा से चलने का समय 12:05 का है, मगर 12:15 तो यहीं पर हो गए। यहां पर इस पुल की मुरम्मत का काम चल रहा था, जिसकी वजह से ट्रैफिक बंद किया हुआ है और यहां पर जाम लग गया। मटौर चौक से फिर हम कांगड़ा की तरफ जाएंगे। लेफ्ट यानी NH 154 पालमपुर व मंडी की तरफ जाता है। तो 12:35 पर हम पहुंच गए कांगड़ा बस स्टैंड। हमारी बस आधा घंटा देरी से यहां पहुंची है, तो अब जल्दी जल्दी यहां से निकल जाएंगे। कांगड़ा में फिर हमारी बस के ड्राइवर भी चेंज हो गए। अब स्टीयरिंग संभालेंगे अश्विनी जी। तो आज मटौर में लगे जाम की वजह से निर्धारित समय से करीब 30-35 मिनट देरी से हमारी बस कांगड़ा से निकली। अभी हम कांगड़ा शहर से बाहर NH 503 पर रानीताल की तरफ जा रहे हैं। हालांकि यहां पर इस बोर्ड पर NH 205 गलत लिखा हुआ है। इस कांगड़ा शिमला रोड को भी अब 4 लेन बनाने का काम शुरू हो गया है। हिमाचल प्रदेश में बढ़ते ट्रैफिक की वजह से अब यहाँ की सड़कों पर दबाव काफ़ी बढ़ गया है, इसीलिए अब कई मेजर रोड्स को 4 लेन बनाया जा रहा है। कीरतपुर से मनाली, कालका से शिमला व पिंजौर से नालागढ़ रोड पर 4 लेन का काम पहले से ही चल रहा है। अब इस कांगड़ा शिमला व पठानकोट मंडी रोड का काम भी शुरू हो गया है। इन मुख्य सड़कों के 4 लेन बन जाने से अब काफ़ी सहूलियत हो जाएगी। हालांकि इनका निर्माण समय रहते पूरा हो तभी बात बनेगी, वरना तब तक तो यहां पर धूल मिट्टी से लोग परेशान हो जाएंगे। और ये इस बस का रिवर्स रूट यानी शिमला से चंबा बस। ये बस भी सुबह 7 बजे ही शिमला से चलती है। हमारी बस आज थोड़ा लेट है, वरना ये दोनों बसें ज्वाला जी में मिलती हैं।
ये सामने है ज्वाला जी मंदिर जाने का रास्ता। डेढ़ बजे फिर हम ज्वाला जी से निकल गए। वैसे इस बस का यहाँ से चलने का समय 1:05 का है। नादौन व रंगत से होते हुए फिर हम 2:30 हमीरपुर पहुंच गए। वैसे ये बस 2:15 तक हमीरपुर पहुंच जाती है, फिर 2:40 पर यहां से चलती है। पर आज तो बस पूरे पूरे टाइम पर ही यहां पहुंची, तो अभी बस निकल ही जाएंगे। इसके बाद 4:15 हम घुमारवीं पहुंच गए। घुमारवीं का ये छोटा सा बस स्टैंड हमेशा प्राइवेट बसेस से ही भरा रहता है। यहाँ घुमारवीं से अब बस 4:00 चलेगी, तो 10-15 का यहाँ पर ब्रेक है। सुबह द्रमण में बस खाने रुकी थी और उसके बाद तो ज़्यादा देर कहीं नहीं रुकी। जैसा कि मैं पहले ही कह रहा था कि बस के ब्रेकफास्ट और लंच में बस 2 घंटे का ही फ़र्क है, जबकि लंच से शाम की चाय में 7 घंटे का फ़र्क। खैर, यहाँ घुमारवीं में चाय पानी का टाइम मिल गया। 4:00 फिर हम घुमारवीं से चल पड़े। अभी शिमला पहुँचने में करीब 4 घंटे का सफ़र बाकी है। ये है चांदपुर पुल और सामने दिखाई दे रहा है बिलासपुर शहर और बंदला धार। इस तरफ ये गोविंद सागर झील का पानी उतर गया है, तो खाली जगह पर लोगों ने फसलें उगा रखी हैं। जल्दी ही हमारी बस पहुंच गई बिलासपुर और यहाँ पर बिलासपुर डिपो की वर्कशॉप में डीजल डलवाना है। मनाली चंडीगढ़ वॉल्वो भी यहाँ पर डीजल डलवा रही है और इस तरफ ये चंडीगढ़ मनाली वॉल्वो भी आ गई। ये वॉल्वो बस यहाँ से हटी, तो अब हमारी बस रिफ्यूल होगी।
5:45 बजे फिर हम बिलासपुर बस स्टैंड पहुंच गए। यहां भी बस सवारी उतार व चढ़ाकर बस आगे निकल गई। नौणी से फिर हम NH 205 पर शिमला की ओर मुड़ गए। राइट में ये है एम्स बिलासपुर। इसके बाद फिर चमाकड़ी पुल के इस ढाबे पर हमारी बस रुक गई शाम की चाय के लिए। अभी 6 बजने वाले हैं। यहाँ पर हमारी बस करीब 15 मिनट के लिए रुकी। चंबा से चले हुए हमें 11 घंटे हो गए हैं और अभी भी शिमला के लिए करीब 2 घंटे और लग जाएंगे। और ये शिमला कटरा ऑर्डिनरी बस भी यहाँ से निकल गई। यहाँ पर चाय और हल्का फुल्का नाश्ता करने के बाद फिर हम आगे चल पड़े। आठ बजे फिर हमारी बस बालूगंज पहुंच गई। हमारी ये बस पहले पुराना बस स्टैंड जाएगी और फिर उसके बाद ISBT टूटीकंडी। 8 बजे के बाद शिमला तक आने वाली मैक्सिमम बसेस पहले पुराना बस स्टैंड जाती हैं और फिर उसके बाद नए बस स्टैंड में आएंगी। और रात में टिमटिमाता हुआ ये शिमला शहर। तो 8:10 पर हम पहुंच गए शिमला के ओल्ड बस स्टैंड में। यहां पर बस से मैक्सिमम सवारियां उतर गईं और अब हम जाएंगे नए बस स्टैंड। तो ये है शिमला का अंतर्राज्यीय बस अड्डा टूटीकंडी। सुबह 7 बजे चंबा से चलकर हम 13 घंटे से भी अधिक समय का सफ़र तय करके यहाँ शिमला पहुँच गए हैं। चंबा राजधानी शिमला से सबसे ज़्यादा दूरी पर बसा ज़िला मुख्यालय है और यही बस इन दोनों शहरों के बीच सबसे कम समय में पहुँचाती है। ये बस दोनों तरफ यानी चंबा और शिमला से सुबह 7 बजे ही चलती है। तो दोस्तों, अपने इस सफ़र और वीडियो को हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है चंबा से शिमला इस बस का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। ऐसी और जर्नी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जल्दी मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। धन्यवाद।